and we are to discuss about past perfect continuous. So today and तो चलिए स्टार्ट करते हैं past perfect continuous. तो past perfect continuous में वही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स हमारा है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि past perfect continuous में क्या होता है, past perfect continuous में होता है जा रहा था, जा रहे थे, खा रहा था, पी रहा था, रही थी, रहे थे. तो ये सारे आता है, इस टाइप की सेंटेंस आता है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट फॉर ऑल टाइम्स, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यू, दे, ही, आई, वी, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं, सब्जेक्ट्स साथ, सभी सब्जेक्ट्स साथ हेड का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस हेड, इसके साथ बिन श्योर है, बिन लगेगा, प्लस वर्ब में आई एन जी, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर दिया, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे सिंस फॉर, क्योंकि ये सिंस फॉर इसलिए यूज होता है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे पहले आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हैव, हैज, बीन, हैव बीन, हैज बीन ये यूज होता है, इसके साथ सिंस और फॉर का यूज होता है. तो इस तरह के यहाँ पे हमने सेंटेंस दिया हुआ कि यहाँ में हैड बीन लगता है, तो हैड बीन का यूज होता है निगेटिव. आप देखिए यहाँ पे हमने क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने ये ऊपर वाला दिया, यहाँ पे हैड बीन प्लस वर्ब, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर. पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस फॉर, यानी श्योर टाइम के लिए सिंस, एंड जो श्योर नहीं टाइम है उसके लिए फॉर का यूज होता है. नेगेटिव, नेगेटिव के सेंस में हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंस में, जैसे कि यू नो वेरी वेल, नेगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग होता है. तो नॉट का यूज में हम देखेंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, क्योंकि बीन है तो बीन तो लगाएंगे यहाँ पे, तो हैड नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर श्योर टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस फोर टाइप्स की होती है. फोर टाइप्स यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो इस तरह से आपने फोर टाइप सेंटेंस पढ़ा. फोर टाइप सेंटेंस में यहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया है हेड इंट्रोगेटिव के, यहाँ पे हेड लगाया, तो यहाँ पे नॉट, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हेड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट जो भी है, आई वी यू दे, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है, नेम, एनी पर्सन्स नेम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करेंगे, प्लस बी प्लस वर्ब प्लस वर्ब में आई एन जी यहाँ पे लगेगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यूज ऑफ सिंस. यूज ऑफ सिंस, लेट्स सी द सेंटेंस, लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर मेनी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सिंस. तो सिंस के बहुत से एग्जांपल हैं, कौन कौन से एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जांपल हम देखते हैं, द फिक्स्ड टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम फिक्स्ड टाइम. तो फिक्स्ड टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 2 a.m, सिंस 4 a.m, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, सिंस मंडे टू संडे, यानी वीक का, यानी 7 मंडे टू संडे, 7 डेज जो वीक है उसका नेम यहाँ मेंशन करेंगे, संडे मंडे सिंस संडे सिंस मंडे, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. फिर सिंस किसमें यूज होगा, सिंस जनवरी टू दिसंबर, यानी 12 महीना के नाम में सिंस यूज होगा, यानी सिंस अक्टूबर, सिंस अप्रैल, सिंस ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, सिंस बीसी टू 2022 टिल सिंस 2002, सिंस 2000, इस तरह के 2 बजे, 4 बजे, 2 o'clock, 4 o'clock, 12 o'clock, 6 नाइट, 6 o'clock. तो नाइट में, यानी कि किसी भी, ये हमने सीन्स, सीन्स का यूज यहाँ पे हमने दिया कि सीन्स का यूज आखिर किस में होता है,
एंड यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि के, यानी जिसके टाइम श्योर नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है, उसके लिए यहाँ पे फॉर का यूज होता है। अब किसमें, लेट्स से एग्जांपल फॉर 2 मिनट्स, ओके, देन फॉर 3 सेकेंड्स, देन फॉर 2 डेज, फॉर 7 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, फॉर 8 वीक्स, इट इज आज फॉर 2 मंथ्स। अब मंथ्स के लिए, ये डेज के लिए तो हमने यहाँ पर बताया, मंथ्स के लिए फॉर 7 मंथ्स, 2 मंथ्स, फॉर 3 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, क्योंकि ये कोई टाइम श्योर नहीं है, इसलिए 2 मिनट्स, कौन से 2 मिनट्स आपको श्योर टाइम नहीं पता है। 2 मिनट्स अगर बताया जाए कि 2 मिनट्स यानी कि 1 बजे से लेकर 1-2 तक का, यानी 1 से लेकर 1-2 तक का, तो आप समझेंगे कि हाँ 2 मिनट्स ये श्योर टाइम है। लेकिन यहाँ पर अगर 10 डेज, कौन से 10 डेज, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हमने 10 डेज यानी कि पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के 3 डेज तक का ये टाइम आप देंगे, तो 7-2 डेज तक का, तो 7-2 8 9 10 यानी 4 होगा, तो 4 डेज तक का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो 10 डेज आएगा। तो 10 डेज आप यहाँ तक बताएंगे, 2 वीक्स, कौन से 2 वीक्स, कौन से 2 सप्ताह, तो यानी आप संडे से लेकर 1 संडे, यानी पिछले संडे से लेकर बीच में 1 संडे गुजरा और पास हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो संडे आया यानी 2 वीक्स, 2 वीक्स का आप इसमें मेंशन करें, क्योंकि ये श्योर टाइम, अनश्योर टाइम, तो ये श्योर टाइम आप ऐसे बताएंगे तो श्योर टाइम आएगा। अब जब आप इस तरह के बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे 2 वीक्स, तो ये अनश्योर टाइम इसके नहीं है, तो 4-5 वीक्स, 5 वीक्स कौन से 5 वीक्स नहीं पता, नॉट नोन। नेक्स्ट है फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स कौन से 3 इयर्स, 3 इयर्स कौन से, 2002 कौन से, 2020 कौन से, 2022 कौन से, 3 इयर्स 2022 से 2025 की, 2020 से 2023 कौन से 3 इयर्स, नॉट नोन, तो इसलिए ये श्योर टाइम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4-5 इयर्स, ये फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, आपने पढ़ाई किया 2 घंटे, आप कहेंगे कि हम 2 घंटे से पढ़ाई किया, कौन से 2 घंटे से आपने पढ़ाई किया, तो आप बताएंगे कि हमने 2 PM से लेकर हमने 4 PM तक पढ़ाई किया, यानी 2 घंटे हमने पढ़ाई, तब 2 PM से लेकर 4 PM ये श्योर टाइम हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे मैंने 2 घंटे पढ़ाई किया, तो श्योर टाइम नहीं होगी। अगर आप कहते हम 2 बजे पढ़े, तो 2 बजे आप कहते हैं 2 बजे अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है, तो 2 बजे एक श्योर टाइम में आप दौड़ पड़ेंगे पिक्चर देखने 2 बजे, तो इस तरह के 2 बजे हमारे माइंड में फिट रहेगा, तो श्योर टाइम रहेगा, तो 2 घंटा श्योर टाइम नहीं रहता। तो इस तरह के 4-6 आवर्स, 4 सेम, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 4-11 आवर्स, तो हमने आज ये देखा, और 5% कंटिन्यूअस को मैंने इस तरह के बताया, थोड़ा सा मैं जल्दी बताई, तो आप यू कैन सी द एग्जांपल्स, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ द सिंस एंड फॉर्स आई हैव मेंशन। तो आप आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वाचिंग।